हेलो दोस्तों, आशा पेट केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्वेरियम में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आती है रेडॉल की एंटीक्लोरिन। एंटीक्लोरिन आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो आपको फ़िश कीपर वाले के पास मिल जाएगी। आप सभी जानते होंगे क्लोरिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारी वाटर सप्लाई बॉडी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले इसमें जानबूझ करके क्लोरीन मिलाती हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और यही यही क्लोरीन मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जब भी आप एक्वेरियम का पानी चेंज करें या पार्शल चेंज करें या मेजर चेंज करें, आप उसमें एंटी क्लोरीन यूज कर सकते हैं। 25 लीटर पानी में सिर्फ 5 ml का ही यूज़ करें। अगर थोड़ा ज़्यादा डल जाए, इससे डरने की कोई बात नहीं, इससे मछलियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप झीलों, तालाबों या झरने का पानी यूज़ करते हैं, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हैवी मेटल होते हैं। लेड, मरकरी, साइनाइड, अर्सेनिक जैसे हैवी मेटल को ख़त्म कर देती है और मछलियों को रहने के लिए एक नेचुरल नेचुरल माहौल बना देती है। इससे के गिल्स और स्किन के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है, जिसे हम म्यूकस म्यूकस कहते हैं, उसे कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए हम रेड ऑल की एंटी क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इसे जब भी आप टैंक का पानी थोड़ा या ज़्यादा चेंज करें, तब एंटी क्लोरीन 25 लीटर पानी में 5 ml का ही यूज़ करें। इससे मछलियों को कम नुकसान पहुँचेगा। आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहें आशा पेट केयर।